Assalamualaikum, I am Saba from Foreign Medical Admissions. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किर्गिस्तान के यूनिवर्सिटी IUK-ISM इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान के बारे में। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान के दो कैंपस हैं, एक ईस्ट कैंपस और एक तुकमुक कैंपस। ईस्ट कैंपस जो है वो बिश्केक में लोकेटेड है और तुकमुक कैंपस जो है वो तुकमुक सिटी में लोकेटेड है। अब बात करते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है। 11 मार्च 1993 को इंटरनेशनल हायर एजुकेशन के तौर पे ये बनी। 1998 को WHO से इसकी एक्रेडिशन हुई। 2001 में इसके जो हैं वो वेस्टर्न कैंपस ओश जलालाबाद और कराकुल में ओपन हुआ। यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम वो इम्प्लीमेंट हुआ और जर्मनी की तरफ से यूनिवर्सिटी को H+ का स्टेटस मिला। इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन जो है वो 2003 में बनी। 2014 में जो है वो कैंपस डिजिटलाइज हुआ और 2017 में इसका गुल कैंपस ओपन हुआ। 2018 में ईस्ट कैंपस ओपन हुआ। 2019 में ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बने और 2020 में तुकमुक कैंपस ओपन हुआ और 2021 में हेल्थ कैंपस ओपन हुआ। अब रैंक्स को डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान के रैंक्स क्या हैं। इसका जो ग्लोबल रैंक है वो है 9406, इसका एशिया में रैंक है 5589 और किर्गिस्तान में इसका रैंक है 13। तुकमुक कैंपस की बात करें तो उसकी जो फी है वो ईस्ट कैंपस के कंपैरिजन में काफ़ी लो है। जो ईस्ट कैंपस है वो बिश्केक में लोकेटेड है। ईस्ट कैंपस का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, डीन ऑफिस है, इंटरनेशनल अफेयर का ऑफिस है, क्लिनिकल हॉस्पिटल्स हैं, मेस है और हॉस्टल्स भी हैं। एक्रेडिशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी जो है वो PMC, WHO, फीमेयर, यूनेस्को, HEC से रजिस्टर्ड भी है। अब बात करते हैं टीचिंग फैकल्टी की। जो टीचिंग फैकल्टी है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड है और जो सिलेबस पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में वो PMC के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है और जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं स्टूडेंट को वो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा हॉस्टल्स और मेस को। जो हॉस्टल्स हैं वो स्टूडेंट जो मेल और फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेपरेट हैं। मेस की बात करें तो मेस में जो है वो हलाल फूड का ऑप्शन भी अवेलेबल है, वाईफाई कनेक्शन भी है, हॉट एंड कोल्ड वाटर भी है, लॉन्ड्री सिस्टम भी है और भी बाकी फैसिलिटीज दी जाती हैं स्टूडेंट्स को। अब डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन रिक्वायरमेंट को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि स्टूडेंट की जो एज है वो मिनिमम 17 ईयर होनी चाहिए और FSC प्री मेडिकल आपका क्लियर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं एडमिशन के लिए? आपकी FSC मैट्रिक की मार्कशीट, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, ID कार्ड की स्कैन कॉपी रिक्वायर्ड होगी। डॉक्यूमेंट की सबमिशन के बाद विद इन 48 आवर आपको इन्विटेशन लेटर रिसीव होता है और इन्विटेशन लेटर के बाद आपके वीजा के लिए अप्लाई किया जाता है। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे कंसल्टेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच।